पक्ष में तैयार करेगी, ये देखना भी एक बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है, उससे पहले अमित शाह पहुंचे हैं। अमित शाह प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे, किस तरह से इस कार्यक्रम को भव्य बनाना है जिसकी लेकर तैयारियां की गई थी उसका भी अवलोकन करने वाले हैं। उसके अलावा तमाम बैठकों का दौर भी शुरू होगा और बताया जा रहा है कि अमित शाह यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ी भोजन है उस भोजन को भी करेंगे और भोजन करने के बाद लगातार बैठकों का दौर भी चलेगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण आज का ये पल था जब अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे, उनके स्वागत के लिए तमाम बीजेपी के बड़े लीडरान वहां पर मौजूद रहे और उनका स्वागत किया गया। अब अमित शाह अपने कार्यालय पर पहुंच चुके हैं, जो बीजेपी का कार्यालय है वहां पर पहुंच चुके हैं और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। और चलिए सीधे हम गौरव का रुख करते हैं, गौरव लगातार कार्यालय के बाहर बने हुए हैं। गौरव, क्या कुछ और स्थितियां अपडेट वहां से निकलकर सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए काफिला जो है पहुंच गया है, कुछ ही देर में ये आएगा। देखिए ये पेट्रोलिंग वाहनों का आने का सिलसिला लगातार जारी है, इसके पहले रोड ओपनिंग पार्टी जो है वो निकली हुई थी और उसके बाद अब फिर से दूसरा काफिला आया और कुछ ही देर में जो है अमित शाह का काफिला एयरपोर्ट से कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के लिए पहुंचेगा। जैसा कि हमने बताया कि वो कार्यालय पहुंच गए हैं, कुछ ही देर में वो अंदर जाएंगे कार्यालय के अंदर और यहाँ पहुँच कर जो है वो सीधे अंदर में जो है पहुँचेंगे, जहाँ पर स्वागत उनका किया जाएगा। एयरपोर्ट में भी अमित शाह का भव्य स्वागत किया गया है, पूरी तरीके से यहाँ पर चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, सड़कों को पूरी तरीके से खाली करा दिया है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला यहाँ आना है। और अब ये देखिए ये काफिला जो है, ये बंसल न्यूज के सब माध्यम से हम प्रदेश की जनता को सबसे पहले ये तस्वीर दिखाने जा रहे हैं कि अमित शाह का जो काफिला है वो पहुंच गया है इस देवपुरी वाले मुख्य मार्ग में और अमित शाह सीधे जो कुशाभाऊ ठाकरे बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है वहां पर अमित शाह पहुंचेंगे और यहां पहुंचने के बाद वो सबसे पहले कुछ देर आराम करेंगे, फिर भोजन करने के बाद जो है वो बैठकों का दौर जो है वो शुरू होगा। ये अमित शाह का काफिला है, आप देख सकते हैं इसी वाहन में जो है अमित शाह जो पहुंचेंगे। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा कि दिखाएं कि ये जो वाहन है, ये वाहन में अमित शाह जो है इसी वाहन में बैठे हुए हैं। ये सीधी तस्वीर हम बंसल न्यूज के माध्यम और ये बंसल पर पहली तस्वीर दिखाना चाहेंगे। पहली तस्वीर बंसल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की छत्तीसगढ़ पहुंचने पर बीजेपी कार्यालय में प्रवेश करते हुए सबसे पहली झलक बंसल न्यूज ने आपको दिखाई है। बंसल न्यूज पर सबसे पहली तस्वीर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की और ये लगातार पूरा काफिला सुरक्षा के दस्ते के साथ बीजेपी कार्यालय में प्रवेश करता हुआ नजर आ रहा है। सीधी तस्वीरें ये आपको रायपुर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी कार्यालय के बाहर हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला भी मौजूद है। गौरव, लगातार काफिला जो है वो बड़ा है, किस तरह की अगर रूट्स को लेकर बात करें किस तरह का बदलाव वहां पर किया गया था? जी बिल्कुल, देखिए दिनेश, एयरपोर्ट से सीधे अमित शाह को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर आना था, माना होते हुए वह देवपुरी चौक पहुंचे, जो एक्सप्रेसवे बना है उस एक्सप्रेसवे के चौक में पहुंचे और उसके बाद सीधे इनका काफिला जो है वो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में एंट्री कर दिया है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था जो है वो उनके साथ है, कारकेट था जो उनके प्रोटोकॉल के तहत कारकेट रहता है वो पूरा कारकेट भी था। और अमित शाह के साथ यदि मैं बात करूँ तो तमाम वो बड़े नेता जिन्होंने वहाँ पर एयरपोर्ट पहुँचे थे और अमित शाह का स्वागत जिन्हें करना था वो भी उनके साथ काफिले के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। संगठन से जुड़े मंत्री, संगठन से जुड़े लोग, उसके अलावा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी जो है वो अभी बीजेपी कार्यालय के अंदर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में जो है यहां पर अमित शाह जो है वो भोजन करेंगे। उनके साथ ही साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी यहां पहुंचे हुए हैं। वो परसों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होना है उस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है वो भी शामिल होंगे, तो कहीं ना कहीं अब केंद्रीय मंत्रियों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। चार लोग मंच पर 7 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद रहेंगे और मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि और बिल्कुल लगातार जिस तरह से बंसल न्यूज पर आपने पहले तस्वीर देखी जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं रायपुर, उनके विमान स्थल पर पहुंचने के बाद से लगातार जो बीजेपी का कार्यालय है वहां तक की पूरी अपडेट, मिनट टू मिनट अपडेट हमने आप तक को पहुंचाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इसे वो भली भांति समझते हैं और यही बात है कि अमित शाह वहां पहुंचे हैं और फिर अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचेंगे तो बीजेपी एक बड़ा चुनावी शंखनाद छत्तीसगढ़ से करने जा रही है। और ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहाँ अमित शाह ये दरअसल कार्यालय से निकलने के बाद
माफ कीजिएगा, एयरपोर्ट से निकलने के बाद कार्यालय जाते समय की ये तस्वीरें हैं जो बंसल न्यूज के कैमरे ने कैद की है। और चले